YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। बालूमाथ प्रखंड में चतरा संसदीय सीट से निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र प्रसाद साहू के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। प्रत्याशी श्री साहू ने पूजा अर्चना व नारियल फोड़कर नई कार्यालय का शुभारंभ किया। प्रत्याशी श्री साहू ने लोगों से कहा कि चुनाव जीतने पर वे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। शुक्रवार को उन्होंने अपने चुनावी चिन्ह के साथ हिरंज प्रखंड में जनसंपर्क भी किया और लोगों से खुलकर समर्थन देने की बातें कही। उस जनता का कार्यालय उद्घाटन समारोह में उपस्थित हमारे परम आदरणीय हमारे तहे दिल से मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। पहली बार आजादी के बाद चतरा लोकसभा क्षेत्र कि सभी जनता, सभी मतदाता, सभी कार्यकर्ता, सभी समुदाय के बड़े लोग ये ठान लिया है कि इस बार नहीं चलेगा बाहरी उम्मीदवार, अब इस बार चलेगा स्थानीय उम्मीदवार। तमाम सभी जनता, सभी मतदाता, सभी कार्यकर्ता, सभी माताओं बहनों को कि आपने जो आवाज इस बार निकाला है स्थानीय उम्मीदवार निर्दलीय राजेंद्र साहू को भारी मतों से विजय बना करके मैं संसद भेजूंगा। मैं आपको आश्वास दिलाता हूँ सभी मतदाता, सभी जनता को कि सौगंध है मुझे इस मिट्टी का, सौगंध है मुझे चतरा का मिट्टी का कि मैं चतरा को झुकने नहीं दूंगा, चतरा को मिटने नहीं दूंगा और चतरा के लोगों को मैं सर झुकने नहीं दूंगा। आज बालूमाथ की धरती पर हमारे स्थानीय प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी श्री राजेंद्र प्रसाद साहू जी के कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। अब जहाँ तक चुनाव की बात है तो किन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा जा रहा है या चतरा लोकसभा के मतदाताओं के लिए चुनौती के रूप में है। बंधुओं आप जानते हैं कि लगातार 70 वर्षों से यह क्षेत्र स्थानीय प्रत्याशी की मांग करते करते थक गया है। लगातार मांग करने के बाद में कोई भी राष्ट्रीय पार्टी यह उचित नहीं समझा कि मिट्टी से भी कोई व्यक्ति ऐसा पैदा लिया है जिसे जो स्थानीय हो